नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी और भारत के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में से एक जरनैल सिंह ढिल्लो के बारे में। चलिए देखते हैं। जरनैल सिंह ढिल्लो, जिन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में से एक माना जाता है, का जन्म 20 फरवरी 1936 में पनाम जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। वह 1952 से 1956 तक खालसा कॉलेज महिपालपुर पंजाब के लिए खेलते रहे। फिर 1956 से 1957 के बीच खालसा स्पोर्टिंग कॉलेज पंजाब टीम के सदस्य रहे। 1957 से 1958 में वह राजस्थान क्लब कलकत्ता टीम के सदस्य रहे और फिर 1959 से 1968 तक मोहन बगान क्लब से जुड़े रहे। भारतीय फुटबॉल के स्वर्ण युग में जरनैल सिंह ने अपने समय के अन्य श्रेष्ठ खिलाड़ियों की भांति भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने तथा उन्नति के रास्ते में ले जाने में अहम भूमिका निभाई। 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में उनकी योग्यता व श्रेष्ठता किसी से छिपे नहीं है। वहां का उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन आज भी याद किया जाता है। इन एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल मैच में चोट के कारण जरनैल सिंह के सर पे 6 टांके लगे थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अडिग था और उन्होंने सिर में 6 टांके होने के बावजूद सेमीफाइनल और फाइनल राउंड में खेलना जारी रखा। 1962 के एशियाई खेलों के फुटबॉल का सेमीफाइनल 1 सितंबर को भारत और साउथ वियतनाम के बीच खेला गया, जिसमें भारत ने साउथ वियतनाम को 3-2 से हराया था। इस मैच में जरनैल सिंह ढिल्लो ने 41वें मिनट में गोल किया था और फाइनल में जो गोल्ड मेडल के लिए हुआ था वो 4 सितंबर को हुआ, जिसमें भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया। इस मैच में जरनैल सिंह ढिल्लो ने 20वें मिनट में गोल किया और इस प्रकार 1962 के एशिया खेलों का फुटबॉल का गोल्ड मेडल भारत को मिला। इसके बाद 1964 में तेल अवीव में हुए एशियाई कप में जरनैल सिंह ने डिफेंडर के रूप में अत्यंत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और भारत उस खेल में रनर अप रहा। 1964 में ही मलेशिया के मर्डेका टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के पश्चात जरनैल सिंह ने चुन्नी गोस्वामी से टीम की कप्तानी अपने हाथ में ले ली। वह 1965 से 1967 तक भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे और उनके नेतृत्व में टीम ने अत्यंत बेहतरीन प्रदर्शन किया तथा अनेक सफलताएं अर्जित की। 1966 में जरनैल सिंह एशियन ऑल स्टार टीम के कप्तान भी रहे। घरेलू सर्किट में जरनैल सिंह मोहन बगान क्लब से 10 महत्वपूर्ण वर्षों तक जुड़े रहे। वह 1959 से 1968 तक मोहन बगान क्लब के लिए खेलते रहे। मोहन बगान क्लब छोड़ने के पश्चात वो पंजाब टीम के लिए खेले और 1970 में उन्होंने टीम के कोच तथा खिलाड़ी के रूप में संतोष ट्रॉफी जीतने में मदद की। जरनैल सिंह भारतीय राष्ट्रीय टीम के कोच भी रहे। वह कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी रहे। 1985 से 1990 तक वह पंजाब में खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रहे और 1990 से 1994 के बीच वह पंजाब के डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स पद पर रहे। जरनैल सिंह ढिल्लो को 1964 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 अक्टूबर 2000 को उनका वैंकूवर कनाडा में देहांत हो गया। जरनैल सिंह, जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद।